फेसबुक पर उसका स्टेटस देखा, पता नहीं क्यों पुरानी मोहब्बत फिर ताजा हो गई। आजकल खुद को बिजी रखना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि फुर्सत में अक्सर वही लोग याद आते हैं जो मुझे शायद कोसों दूर होते हैं। तो मेरा नाम है दीपू राय, मैं सुना रहा हूँ मेरी डायरी पल्लू वाला इश्क। कंप्यूटर लैब में पहली बार मिली थी उससे, मुलाकात जाते जाते उसने यही नाम बताया था। सुना था कहीं लड़कों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। मेरी मम्मी के हाथ का बना लड्डू बड़ा अच्छा लगा था उसे, उसके बदले में चॉकलेट खिलाई थी उसने। काफी दिनों तक रैपर संभाल के रखा था मैंने। क्लास में छिपकी निगाहों से उसे देखना अच्छा लगता था, अच्छा लगता था। 27 फरवरी 2004 इजहार किया था मैंने भी उससे अपनी मोहब्बत का, और दूसरे ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सब एक्सेप्ट कर लिया। बातें अक्सर लंबी हुआ करती थी हमारी, और हर रात सो जाया करता था, फिर सुबह सॉरी इतना क्या था ये चल रहा था। आज सुबह से बिजी था, कॉलेज कॉरिडोर में अक्सर आते जाते उसको देख रही थी। कविताएं लिखने का शौक था उसे। कॉलेज का आखिरी दिन था, आज सब एक दूसरे की डायरी पे शर्ट पे बहुत सारे अल्फाज, सारे भूल मत जाना, आई मिस यू फ्रेंड, दुआओं में याद रखना, और वो किसी और की डायरी में मशहूर था। नजाने क्यों उसे देख उस दिन आंखें भर आई थी, हमेशा उसके पास रहना चाहती थी, तो उन्हीं से डर गई थी शायद। इतना सब सोचे रही थी कि अचानक से कॉल आया, कॉल पे उसने बोला हेलो आ रही हो शादी में ना। मैंने भी कुछ देर रुक के बोला नहीं, और फोन का कैसे कह देती कि आने का अब आने का मन नहीं कर। आज भी उसकी दो लाइनें जो कि मेरी डायरी में लिखी थी आज भी याद है। लाइनें हैं यादों के फूल फिर खिल न पाएंगे, आज के बाद शायद मिल न पाएंगे।